तो दोस्तों क्रिसमस आने ही वाला है और इसी बीच एक ज़बरदस्त मूवी हमें देखने को मिली जिसका टाइटल है बेस्ट क्रिसमस ईवर यानी कि एक तरह से ज़बरदस्त अंदाज़ में इसे रिलीज़ किया गया है ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और ये क्रिसमस एक तरह से मैं आपको बताऊँ अमेरिकन क्रिसमस रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो कि हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली और आज हम इसी के बारे में सारे कुछ डिटेल आपको बताने वाले हैं इसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग साथ ही साथ स्टोरी क्या देखने को मिली और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास है सारी आपको बताने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेलाइकन दबा कर लीजिएगा इसके बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं श्रेष्ठ क्रिसमस कभी मैरी लैम्बर द्वारा निर्देशित और टॉट गैलिकानो और चार्ल्स शायर द्वारा लिखित एक 2023 अमेरिकी क्रिसमस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है फिल्म में हीदर ग्राहम ब्रांडी नॉवुड मैट सेडिनो और जेसन बिग्स जैसे कलाकार हैं कथानक चार्लोट और रॉब सैंडर्स अपने छोटे से घर में संघर्ष करते हुए एक औसत जीवन जीते हैं जब उसे कॉलेज मित्र जैकी जेनिंग से वार्षिक क्रिसमस पत्र मिलता है तो वो चिल्लाने लगती है चार्लोट सोचती है कि वह झूठ बोल रही होगी क्योंकि किसी का जीवन इतना आदर्श नहीं हो सकता जब उनका बेटा ग्रांड समाचार पत्र देखता है और बताता है कि यह क्रिसमस का निमंत्रण है तो उसकी माँ व्यंग्यपूर्वक सहमत होती है कि उन्हें जाना चाहिए लेकिन वह उसके व्यंग्यात्मक लहजे को नहीं समझता है सैट नेव को प्रोग्राम करने के कार्य को देखते हुए वह अपनी चाची के बजाय जेनिंग्स का पता डालता है कास्ट करें चार्लोट सैंडर्स के रूप में हीथर ग्राहम एक जैकी जेनिंग्स के रूप में ब्रांडी नॉवुड एक रॉब सैंडर्स के रूप में जेसन बिग्स एक वेलेंटिनो के रूप में मैट सेडिनो एक ग्रांड सैंडर्स के रूप में व्याट हंट डोरा सैंडर्स के रूप में एबी विलासमिल बीट्रिक्स जेनिंग्स के रूप में मेडिसन स्काई वैलिडम रोज मैकैफ्रे के रूप में नादिया साइन केको के रूप में जेनेट लो रिलीज श्रेष्ठ क्रिसमस कभी नेटफ्लिक्स द्वारा 16 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था दो स्वागत समीक्षा एग्रीगेटिव वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 10 आलोचकों में से 40 प्रतिशत समीक्षाएं सकारात्मक हैं जिनकी औसत रेटिंग 4.3 दशमलव दस है तीन मेटाक्रिटिक, जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने चार आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से उनतालीस का स्कोर दिया जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है चार वेराइटी ने लिखा इसका बेतुका पागलपन एक ट्रोजन हाउस के रूप में कार्य करता है जिसमें क्षमा खुशी और खट्टे मीठे दुखों पर वास्तव में सार्थक भावनाएं होती है, सार्व हैं सार्वभौमिकताएं जिन्हें लोग अपने वर्ष के करीब आने पर प्रतिबिंबित करते हैं निर्देशक मैरी लैम्बर्ट पटकथा की है टोड कैल्गी गैलिकानो चार्ल्स शायर कहानी टोड कैल्गी गैलिकानो द्वारा उत्पादित ब्रैड क्रेवॉय वॉय अभिनीत ही द्राहम ब्रांडीनोवुड मैथ सेडेनो जेसन बिग्स छायांकन ग्राहम रॉबिन्स द्वारा संपादित जेफरी वुल्फ संगीत दिया है जेफ रोना उत्पादन कंपनियां मोशन पिक्चर कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका ब्रैड क्रिवोए प्रोडक्शंस द्वारा वितरित नेटफ्लिक्स रिलीज की तारीख 16 नवंबर 2023 कार्यकारी समय इक्यासी मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका मैरी लैम्बर्ट गैरी जन्म तेरह अक्टूबर 1951 एक अमेरिकी निर्देशक हैं उन्होंने मुख्य रूप से डरावनी शैली में संगीत वीडियो टेलीविजन एपिसोड और फीचर फिल्मों का निर्देशन किया है एक जीवन और करियर लैम्बर्ट का जन्म हेलेना अर्कंसस में हुआ था जो चावल और कपास किसान माथा केली और जॉर्डन बैनेट लैम्बर्ट तीन की बेटी थीं दो उनकी छोटी बहन अर्कंस की पूर्व अमेरिकी सेनेटर ब्लैंच लिंकन हैं लैम्बर्ट ने रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन से बीएफए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की लैम्बर्ट ने क्रिस इसाक के पहले संगीत वीडियो डांसन और जैनेट जैक्सन के नेस्टी और कंट्रोल संगीत वीडियो का निर्देशन किया उन्होंने एनी लेनोक्स मिग जैगर द गो गोज ह्यूस्टन एलिसन क्रॉस लाइव मोटली क्रू क्वीन्ज रिचे स्टिंग डेबी हैरी टॉम टॉम क्लब और अन्य के लिए वीडियो का निर्देशन भी किया उन्होंने मेडोना के कई शुरुआती वीडियो का निर्देशन किया जिनमें बॉड लाइन लाई का वजन मटीरियल गर्ल ला इसला बोनिता और लाइक अ प्रेयर शामिल हैं 1987 में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म स्टाइलिश और विवादास्पद सिएस्टा रिलीज की जिसमें एलेन बाकिन और जोडी फोस्टर ने अभिनय किया था इसे डर्टी डांसिंग से हारकर सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर के लिए आईएफपी स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था वो उन्नीस में स्टीफन किंग के उपन्यास पेट सेमेट्री और उसके सीक्वल पेट सेमेट्री टू के निर्देशन के लिए डरावनी प्रशंसकों के बीच जानी जाती हैं तीन हाल ही में लैम्बर्ट ने 2005 की अबन लेजेंड्स ब्लडी मैरी और 2011 की सिफी हॉरर फिल्म मेगा पाइथन बनाम गेटरॉइड का निर्देशन किया चार उन्होंने उन्नीस डिजिटल पिक्चर्स एफएमवी वीडियो गेम डबल स्विच का निर्देशन किया व्यक्तिगत जीवन उन्होंने जेरोम गैरी से शादी की है पांच फिल्मोग्राफी लघु फिल्म वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता 1977 तीव्र नेत्र गति छह हाँ नहीं, नहीं। 2012 मोती हां 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 फिल्म वर्ष शीर्षक टिप्पणियाँ उन्नीस सौ छियासी चैरी चंद्रमा के नीचे अनक्रेडिटेड सात क्रिएटिव कंसल्टेंट के रूप में सूचीबद्ध उन्नीस सौ सतासी गर्म देशों में दोपहर की अल्पनिद्रा उन्नीस सौ नवासी पेड सेमेट्री आठ उन्नीस सौ इक्यानवे ग्रैंड आयल उन्नीस सौ बानवे पेड सेमेट्री दो उन्नीस सौ निन्यानवे क्लबलैंड दो हज़ार भीड़ में दो हजार एक 2 दो कालाबार का बदला अजीब आवृत्ति 2005 शहरी महापुरुष ब्लडी मैरी 2007 अटारी 2014 स्वर्ग में मृत मान लिया गया फिशिंग पोनो समुद्र के साथ सद्भाव में रहना लेखक भी 2021 क्रिसमस के लिए एक महल 2023 श्रेष्ठ क्रिसमस कभी टेलीविजन वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक एपिसोड टिप्पणियां 2021 हजार इक्कीस गोल्डबर्ग्स हाँ नहीं डैडी डॉटर डे दो 2019 कदम ऊपर उच्च जल हाँ नहीं विभाजन 2017 तीर हां नहीं पाप भक्षक 2016 काली सूची हाँ नहीं निर्देशक 2010 अमेरिका में सड़क पर हाँ नहीं काउबॉय और भारतीय 2008 द डार्क पाथ क्रॉनिकल्स हाँ हाँ अंधेरे रास्ते में खो गया सांत्वना की तलाश अंधेरे पथ में प्रवेश फंसा हुआ पिशाच प्रलोभन एक पिता की चेतावनी शुक्रवार शाम जागृति 2007 अमेरिका में सड़क पर हाँ हाँ मिसिसिपी डेल्टा 2001 अजीब आवृत्ति हां हां एक एहसास से भी बढ़कर हाँ हाँ डिस्को की आग उन्नीस विद्रोही राजमार्ग हाँ हाँ ड्रैग स्ट्रिप गर्ल उन्नीस रेड शू डायरीज हाँ हाँ दुर्घटनाएं होती हैं एलन स्मिथी के रूप में श्रेय दिया गया उन्नीस सौ नवासी क्रिप्ट से कहानियां हाँ हाँ संग्रह पूरा हुआ टीवी फिल्म ड्रैग स्ट्रिप गर्ल उन्नीस बुराई का सामना उन्नीस प्यार अजीब है उन्नीस मेरा सौतेला बेटा मेरा प्रेमी उन्नीस उर्फ प्यार हत्या और धोखा मेगा पाइथन बनाम गेटरॉयड 2011 टीवी विशेष वीएच एक दिवस 2012 2012 बारह ट्वेंटी बॉबी ब्राउन हिज प्रोरोगेटिव उन्नीस वीडियो लघु फिल्म वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक स्वयं 2006 स्टीफन किंग की पेट सेमेट्री पात्र नहीं, नहीं हाँ स्टीफन किंग की पेट सेमेट्री स्टीफन किंग टेरिटरी नहीं नहीं हां स्टीफन किंग की पेट सेमेट्री हॉरर फिल्मांकन नहीं हां हाँ 2011 मिस साउथ पैसिफिक ब्यूटी एंड द सी हां हां नहीं पतली परत वर्ष शीर्षक निदेशक निर्माता स्वयं 2007 14 महिलाएं हां हां नहीं 2014 सेक्स और संगीत नहीं नहीं हां 2017 हजार सत्रह अनथड एंड अनटोल्ड द पाथ टू पेट सेमिट्री नहीं, नहीं हां टीवी श्रृंखला में उपस्थिति वर्ष शीर्षक एपिसोड 2017 साउंडट्रैक गाने जो इतिहास को परिभाषित करते हैं आउट लाउड एंड प्राउड 2016 हजार सोलह साउंड ब्रेकिंग रिकॉर्डेड संगीत की अत्याधुनिक कहानियां ध्वनि और दृष्टि 2012 हजार बारह सेलिब्रिटी भूत कहानियां बिल बेलामी डॉन वेल्स जैक ब्लैड्स मैरी लैम्बर्ट अंदर का आतंक मृत बच्चे घूम रहे हैं दो शून्य शून्य चार एक शून्य शून्य सबसे डरावने मूवी मोमेंट्स भाग आए सौ इक्यासी टीवी फिल्में वर्ष शीर्षक निदेशक स्वयं उन्नीस सौ चौरासी द गो गो वाइल्ड एट द ग्रीक हाँ नहीं उन्नीस सौ अट्ठानवे वेन यू बिलीव द प्रिंस ऑफ इजिप्ट का संगीत हाँ नहीं 2004 हजार चार एक्सरेटेड पॉप वीडियो पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की हाँ हाँ दो शून्य शून्य पांच एक शून्य शून्य महान्तम पॉप वीडियो नहीं हां 2008 हजार आठ डार्क पाथ क्रॉनिकल्स मेकिंग ऑफ नहीं हां डार्क पाथ क्रॉनिकल्स बिहाइंड द कैरेक्टर्स हां हां दो हज़ार नौ प्री ब्लडी द वुमेन ऑफ हॉरर नहीं हां दो हजार ग्यारह चिलो तेरा हॉरर के सबसे डरावने बच्चे नहीं हां संगीत वीडियो वर्ष शीर्षक कलाकार निदेशक लेखक निर्माता संदर्भ उन्नीस सौ अट्ठानवे वेन यू बिलीव वैकल्पिक संस्करण विटनी ह्यूस्टन मारिया केरी हाँ नहीं उन्नीस सौ सत्तानवे मेरा सिर घुमाओ रहना हाँ नहीं उन्नीस सौ बानवे मेरा भाग्य लियोनेल रिची हाँ नहीं नहीं उन्नीस सौ बानवे साम्राज्य क्वींज्रिशे हाँ नहीं, नहीं। एक और बरसाती रात तुम्हारे बिना संस्करण दो हाँ नहीं उन्नीस सौ नब्बे डोंट गो अवे मैड जस्ट गो अवे मोटली क्रू हाँ नहीं नहीं आपके बिना हाँ नहीं नहीं उन्नीस सौ नवासी रॉक विचा बॉबी ब्राउन हाँ नहीं नहीं जेली रोल ब्लू मर्डर हाँ नहीं नहीं राजाओं की घाटी हाँ नहीं नहीं प्रार्थना की तरह ईसा की माता हाँ हाँ नहीं नाइन दस उन्नीस सौ सतासी ला इसला बोनिता हाँ नहीं नहीं हम हमेशा साथ रहेंगे डंक मारना हाँ नहीं नहीं उन्नीस सौ छियासी बहुत खराब जैनेट जैक्सन हाँ नहीं नहीं नियंत्रण हाँ नहीं नहीं फील द हीट जीन ब्यूवर हाँ नहीं नहीं प्रेम स्पर्श रॉड स्टीवर्ट हाँ नहीं नहीं उन्नीस सौ पिचासी डांस एन क्रिस ईसाक हाँ नहीं नहीं क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा यूरिथमैक्स हाँ नहीं नहीं दुष्ट बनने के तरीके अकेला न्याय हाँ नहीं नहीं भौतिकवादी लड़की ईसा की माता हाँ हाँ नहीं दस उन्नीस सौ चौरासी ग्लैमरस लाइफ शीला ई हाँ नहीं, नहीं। एक कुंवारी की तरह ईसा की माता हाँ हाँ नहीं दस सीमा रेखा हाँ नहीं हाँ आपकी बारी गो गो हाँ नहीं नहीं राक्षस फ्रेड शनाइडर हाँ नहीं नहीं वीडियो गेम हीथर ग्राहम नाम के अन्य लोगों के लिए ही ग्राहम बहुविकल्पी देखें ही ग्राहम 2011 में ग्राहम जन्म ही जोन ग्राहम 29 जनवरी 1970 उम्र तिरपन मिलुअकी विस्कॉन्सिन यूएस पेशा अभिनेत्री सक्रिय वर्ष उन्नीस वर्तमान साथ ही यानिव रज दो हजार जोन ग्राहम जन्म 29 जनवरी 1970 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं एक दो टेलीविजन विज्ञापनों में प्रदर्शित होने के बाद एक फीचर फिल्म में उनकी पहली अभिनीत भूमिका किशोर कॉमेडी लाइसेंस टू ड्राइव 1988 के साथ आई इसके बाद समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म ड्रग्स्टोर काउबॉयॉय उन्नीस आई तीन चार इसके बाद उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला ट्विन पीक्स उन्नीस और सिक्स डिग्रीज ऑफ सेपरेशन नाइनटीन और स्विंगर्स उन्नीस जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं फिल्म बूगी नाइट्स उन्नीस में रोलगल की भूमिका के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली पांच इसके कारण उन्हें कॉमेडी फिल्मों बोफिंग और ऑस्टिन पॉवर्स द स्पाई हुग्मी दोनों उन्नीस सौ निन्यानवे में प्रमुख भूमिकाएं मिली ग्राहम ने से इट इज नॉट सो 2001 हजार एक और फ्रॉम हेल (2001) में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं और मैरी (2005) फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाते रहे द हेंगोवर (2009) और इसका सीक्वल द हेंगोवर पार्ट तीन (2013) किसी भी कीमत पर 2012 और हॉन्स (2013) स्क्रब्स 2004 और कैलिफोर्निकेशन (2014) जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में उनकी भूमिकाएं रही हैं ग्राहम चिल्ड्रन इंटरनेशनल के लिए एक सार्वजनिक वकील हैं छह और उन्होंने 2007 में जलवायु परिवर्तन अभियान ग्लोबल कूल का समर्थन किया सात प्रारंभिक जीवन ग्राहम का जन्म मिलुओ की बिस्कॉन्सिन में हुआ था आठ दो बच्चों में बड़ी उनकी छोटी बहन एमी ग्राहम भी एक अभिनेत्री और लेखिका हैं उनकी मां जोन नी ब्रैंसफील्ड एक शिक्षिका और बच्चों की किताबों की लेखिका हैं नौ और उनके पिता जेम्स ग्राहम एक सेवानिवृत्त एफबीआई एजेंट हैं दस जब वह नौ वर्ष की थीं तब उनका परिवार कैलिफोर्निया के अगौरा हिल्स में जाने से पहले बार बार स्थानांतरित हुआ ग्यारह उन्हें द विजार्ड ऑफ ओज के एक स्कूल प्रोडक्शन के दौरान अभिनय से परिचित कराया गया था हाई स्कूल के बाद ग्राहम ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में विस्तार कक्षाओं में दाखिला लिया जहां उन्होंने दो साल तक अंग्रेजी का अध्ययन किया बारह अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध ग्राहम ने पूर्णकालिक अभिनय करने के लिए यूसीएलए से नाम वापस ले लिया तेरह करियर प्रारंभिक कार्य उन्नीस सौ चौरासी ग्राहम की पहली फिल्म उपस्थिति मिसेज सोफिल उन्नीस में एक अप्रकाशित कैमियो थी चौदह उनकी पहली श्रेय फिल्म टेलीविजन फिल्म स्टूडेंट एक्सचेंज में थी उन्नीस में वह एनबीसी गेम शो स्क्रैबल के एक विशेष टीन वीक एपिसोड में दिखाई दी। फिर वह कई टेलीविजन विज्ञापनों और उन्नीस में सिटकॉम ग्रोइंग पैंस के एक एपिसोड में दिखाई दीं उनकी पहली हाई प्रोफाइल अभिनीत भूमिका कोरी हैम कोरी फेलमेन वाहन लाइसेंस टू ड्राइव उन्नीस में मर्सिडीज लेन नामक एक लोकप्रिय लड़की के रूप में आई जो हैम के चरित्र की प्रेमिका के रूप में कार्य करती है उनके प्रयासों ने उन्हें मोशन पिक्चर कॉमेडी या फैंटेसी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेत्री में यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया उनके सख्त माता पिता ने उन्हें ब्लैक कॉमेडी हीथर्स उन्नीस में भूमिका स्वीकार करने से मना कर दिया था जिसकी पटकथा अपशब्दों से भरपूर थी 11 उसी वर्ष उन्होंने डैनी डेविटो और अर्नाल्ड श्वार्जनेगर की फिल्म ट्विंस में फ्लैशबैक में उनकी मां की भूमिका निभाई प्रशस्ति पत्र आवश्यक ड्रग स्टोर काउबॉय से स्विंगर्स तक उन्नीस सौ नवासी में ग्राहम को गस वान सैंड के ड्रग स्टोर काउबॉय में नादीन के रूप में दिखाया गया था जो दो मुख्य पात्रों मैट डिलन और केली लिंच द्वारा अभिनीत का एक युवा नशीली दवाओं का आदि साथी था उनके प्रदर्शन ने उनके करियर को शुरुआती बढ़ावा दिया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन मिला उन्होंने एक सोप ओपेरा में नियमित भूमिका और एक प्रमुख स्टूडियो के साथ तीन चित्रों का सौदा अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक होगा पंद्रह डॉक्टर रगस्टोर काउबॉय के बाद वो विलियम हट और कीनू रीव्स के साथ लॉरेंस कासिडन की डार्क कॉमेडी आई लव यू टू डेथ उन्नीस और रॉक एंड रोल की आने वाली फिल्म शाउट उन्नीस में दिखाई दी जिसके लिए उन्हें मोशन पिक्चर में अभिनय करने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकन मिला डेविड लिंच द्वारा निर्देशित कैलविन क्लेन विज्ञापन में ग्राहम ने डेल टोरो के साथ सह अभिनय किया जिसके बाद निर्देशक ने उन्हें ट्विन पीक्स में एनी ब्लैकबर्न के रूप में कास्ट किया जहां वो अंतिम छह एपिसोड में दिखाई दी शो के रद्द होने के बाद ग्राहम ने उन्नीस की प्रीक्वल फिल्म ट्विन पीक्स फायर वॉक मी में ब्लैकबर्न की भूमिका दोहराई दस उन्होंने जेम्स वुड्स के साथ दिग्स टाउन उन्नीस में अभिनय किया विल स्मिथ के साथ अच्छी तरह से प्राप्त सिक्स डिग्रीज ऑफ सेपरेशन 1993 और द बैलाड ऑफ लिटिल जो 1993, इवन थ्री के साथ उमा उमाथोर्मिन के साथ इवन काउगल्स गेट द ब्लूज के समीक्षकों द्वारा प्रतिबंधित फिल्म रूपांतरण के लिए गस वान सैंड के साथ दोबारा काम करने से पहले 16 उसी वर्ष उन्होंने मिसेज पाकर एंड द विसियस सर्कल में मैरी कैनेडी टेलर के रूप में सह अभिनय किया उन्नीस में उन्होंने खराब प्रतिक्रिया प्राप्त डेजेट विंड्स में जैकी के रूप में अभिनय किया और टेलीविजन श्रृंखला फॉर्नर एंजल्स के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई स्विंगर्स 1996 में उनकी एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका थी जहां उन्होंने जॉन फेवरू की प्रेमिका लॉरेन की भूमिका निभाई थी सत्रह उन्होंने एंटरटेनिंग एंजल्स द डे स्टोरी उन्नीस में मैगी बोविन की एक छोटी भूमिका भी निभाई व्यापक उद्योग और सार्वजनिक मान्यता उन्नीस सौ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म बूगी नाइट्स उन्नीस में एक युवा पोर्न स्टार की भूमिका निभाने के बाद ग्राहम की लोकप्रियता काफी बढ़ गई मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कलाकारों को स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन मिला उसी वर्ष उन्होंने ग्रे गरा की फिल्म नोवेर में भी अभिनय किया और हॉरर हिट स्क्रीम दो में खुद के एक काल्पनिक संस्करण के रूप में एक कैमियो किया जिसमें उन्होंने फिल्म स्टैप के भीतर केसी बेकर की भूमिका निभाई बाद में उन्हें टू गर्ल्स एंड ए गाय उन्नीस में कास्ट किया गया ये फ़िल्म मुख्य रूप से पात्रों के बीच संवाद पर आधारित थी जिसे 11 दिनों में शूट किया गया था 18 जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर और नताशा ग्रेगिसन सह कलाकार थे और विज्ञान फाइव फिल्म लॉस्ट इन स्पेस जिसे ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली और 80 डॉलर मिलियन के उत्पादन बजट पर घरेलू स्तर पर 6 करोड़ इक्यानवे लाख सत्रह हजार छह सौ उनतीस डॉलर की कमाई की कलाकारों को उन सीक्वलों के लिए साइन किया गया था जो अभी तक नहीं बने हैं उन्नीस बीस उन्होंने ऑस्टिन पॉवर्स द स्पाई हुग मी उन्नीस सौ निन्यानवे की अगली कड़ी में फेलिसिटी शेग्वल के रूप में अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही शेग्वल उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिकाओं में से एक है और प्रशंसकों की पसंदीदा बन गई इक्कीस शेगवल के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के सैटर्न पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला वो अमेरिकन वुमन के लेनी क्रेविट्स के कवर के संगीत वीडियो में दिखाई दी इसके अलावा 1999 में ग्राहम ने स्टीव मार्टिन और एडी मफी के साथ फिल्म बोफिंगर में डेजी के रूप में सह अभिनय किया 2000 की फिल्म कमिटेड उनकी पहली अभिनीत फिल्म थी उन्होंने जोलिन की भूमिका निभाई जो एक समर्पित परे तर्क वाली युवा पत्नी थी जो उस पति की तलाश में थी जिसने उसे छोड़ दिया था जबकि फ़िल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली आलोचकों के रोटेन टोमाटो सारांश ने महसूस किया कि ग्राहम दिखाता है कि वह एक केंद्रीय किरदार निभा सकती है लेकिन नोट किया गया कि वह कमिटेड को सफल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है बाईस अगले वर्ष उन्होंने एडवर्ड बंस की साइडवॉक्स ऑफ न्यूयॉर्क में एक नाखुश विवाहित महिला एनी मैथ्यूज के रूप में सह अभिनय किया 2002 में उन्होंने चैन कैगे की अंग्रेजी भाषा की पहली फिल्म किलिंग मी सॉफ्टली में जोसेफ फियनस के साथ अभिनय किया जिसे आलोचकों से अत्यधिक नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और रोटेन टोमाटोज में शून्य प्रतिशत सर्वसम्मति से कहा गया आदरणीय निर्देशक चैन कैगे की पहली अंग्रेजी भाषाई फिल्म एक शानदार रूप से गुमराह कामुक थरिल है जिसमें हास्यास्पद कथानक ट्विस्ट और रोंगटे खड़े कर देने वाले संवाद हैं तेईस दो में साइट ने पिछले दस वर्षों में सबसे खराब फिल्मों की उल्टी गिनती में इसे बारहवें स्थान पर रखा मुख्यधारा में ग्राहम की अन्य प्रस्तुतियों में जॉनी डेप अभिनीत फिल्म फ्रॉम हेल 2001 में जैक द रिपर हत्या की शिकार मैरी केली का एक काल्पनिक संस्करण निभाना शामिल है एंगर मैनेजमेंट 2003 एडम सैंडलर और जैक निकोलसन अभिनीत फेरली ब्रदर्स की कॉमेडी से इट इज नॉट सो 2001 सैली फील्ड के सामने द गुरु सह अभिनीत जिमी मिस्त्री और होप स्प्रिंग्स 2003 सह तीन कॉलिन फर्थ स्वतंत्र फिल्मों और टेलीविजन पर ध्यान 2004 2008 ग्राहम मुस्कुराते हुए जून 2007 में ग्राहम 2004 से 2008 तक ग्राहम ने कई स्वतंत्र फिल्मों ग्रे मैटर्स ब्रोकन एड्रिफ्ट इन मैनहट्टन सभी 2007 और दो में अभिनय किया जिनमें से अधिकांश को आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हद तक ध्यान नहीं दिया गया चौबीस इक्कीस उनकी 2005 की फिल्म मैरी को रॉटेन टोमाटोज पर तिरसठ प्रतिशत रेटिंग प्राप्त है जो बोफिंग के बाद उनकी पहली फ्रेश फिल्म थी 25 फिल्म का प्रीमियर 2005 के वेनिस फ़िल्म महोत्सव में हुआ जहां इसने विशेष जूरी पुरस्कार जीता साथ ही तीन छोटे पुरस्कार भी जीते ये फिल्म 2005 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ड्यूबिल फिल्म फेस्टिवल और सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित हुई और इसमें जूलियट बिनोचे फॉरेस्ट विटेकर मैरियन कोटिलाड़ और मैथ्यू मोडाइन ने सह अभिनय किया 2006 में उन्होंने बॉबी में एंजेला के रूप में सह अभिनय किया फिल्म के कलाकारों को मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था ग्राहम ने द एक्सीडेंटल वर्जिन नामक एक कॉमेडी फिल्म विकसित करने के बारे में भी बात की जो महिला यौन भ्रम पर केंद्रित होगी जिसमें एक ऐसी महिला की कहानी बताई जाएगी जिसने एक साल से सेक्स नहीं किया है फिल्म नहीं बनी है उन्होंने यह भी कहा कि वह भविष्य में निर्देशन में रुचि लेंगी यदि यह कुछ ऐसा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे करने की जरूरत है दस टेलीविजन पर ग्राहम ने टीवी श्रृंखला सेक्स एंड द सिटी के एक एपिसोड में खुद की भूमिका निभाई उन्हें इसके चौथे सीजन दो हजार के दौरान स्क्रब्स के नौ एपिसोड में विशेष अतिथि कलाकार का दर्जा दिया गया था और 2004 में अरेस्टेड डेवलपमेंट के एक एपिसोड में जॉर्ज माइकल ब्लथ के नैतिकता शिक्षक के रूप में भी दिखाई दी उन्होंने एमिली रीजन्स में एमिली सैंडर्स की भूमिका निभाई क्यों नहीं लेकिन सिटिकॉम को केवल एक एपिसोड प्रसारित करने के बाद रद्द कर दिया गया था चार्ल्स रिचर्ड शायर जन्म 11 अक्टूबर 1951, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक और निर्माता हैं शायर की फिल्में मुख्य रूप से कॉमेडी होती हैं अक्सर रोमांटिक कॉमेडी ओवरटोन के साथ उनके लेखन और निर्देशन के श्रेय में प्राइवेट बेंजामिन 1980, सौ अस्सी इिकॉन्सलेबल डिफ्रेंसेज बेबी बूम उन्नीस फादर ऑफ द ब्राइड उन्नीस फादर ऑफ द ब्राइड पार्ट दो नाइनटीन द पेरेंट ट्रैप उन्नीस द शामिल हैं अफेयर ऑफ द नेकलेस एल अफेयर डू कॉलियर 2001, अल्फी 2004 और इरी ओगी डोमानी कल, आज और कल 2012, हज़ार बारह द नोए लव डायरी दो प्रारंभिक जीवन शायर का जन्म लॉस एंजल्स में हुआ था वो लोइस नी जोन्स डेलाने और मेलविले शायर के बेटे थे जो एक प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव और फिल्म निर्देशक थे एक शायर फिल्म उद्योग में बड़े हुए जहां उनके पिता डी डब्ल्यू ग्रिफिथ के साथ काम करते थे और डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के संस्थापकों में से एक थे दो यूसीएलए में भाग लेने के बाद उन्हें डीजीए के प्रशिक्षुता कार्यक्रम में स्वीकार कर लिया गया जिसके कारण उन्हें सहायक निदेशक के रूप में काम करना पड़ा तीन हालांकि शायर का ध्यान जल्द ही लेखन की ओर चला गया और रवो टीवी श्रृंखला द ऑड कपल के निर्माता गैरी मार्शल और जेरी बेल्सन के सहायक के रूप में काम करने लगे अंततः उन्होंने सत्तर के दशक की शुरुआत में लोकप्रिय श्रृंखला में मुख्य लेखक और एसोसिएट निर्माता तक काम किया चार वो यहूदी वंश का है पांच करियर द ऑर्ट कपल के बाद शायर ने फीचर फिल्मों में बदलाव किया और बर्ट रेनॉल्ड्स अभिनीत स्मोकी एंड द बैंडिट उन्नीस पर अपना पहला लेखन श्रेय प्राप्त किया अगले वर्ष शायर ने जैक निकोलसन द्वारा निर्देशित और अभिनीत गोइन साउथ का सह लेखन किया और वाल्ट मथाओ ग्लैंडा जैक्सन फिल्म हाउस कॉल्स उन्नीस के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए अपना पहला राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका नामांकन प्राप्त किया छह उन्नीस में शायर ने नैन्सी मेयर्स और हार्वे मिलर के साथ मिलकर प्राइवेट बेंजामिन का लेखन और निर्माण किया जिसमें प्राइवेट जूडी बेंजामिन की ऑस्कर नामांकित मुख्य भूमिका में गोल्डी हॉर्न ने अभिनय किया उस समय की पारंपरिक धारणा के विपरीत कि बिना किसी पुरुष स्टार वाली महिला प्रधान भूमिका बॉक्स ऑफिस पर जहर होती है सेना में शामिल होने वाली एक लाड़ प्यार वाली युवा महिला की यह कहानी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने और अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक रैंकिंग प्राप्त करने के बाद प्राइवेट बेंजामिन ने अमेरिका के भीतर लगभग 70 मिलियन डॉलर और दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक की कमाई की सात प्राइवेट बेंजामिन की पटकथा ने शायर मेयर्स और मिलर को सर्वश्रेष्ठ मूल कॉमेडी के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा श्रेणी में अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित कई गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया था आठ शायर की अगली परियोजना रिकॉन्सिलेबल डिफ्रेंसेज ने उनके निर्देशन की शुरुआत की शैली लॉन्ग और रयान ओ नील ने एक हॉलीवुड जोड़े की भूमिका निभाई जिनकी सफलता का जुनून उनकी बेटी के साथ उनके रिश्ते को नष्ट कर देता है जिसकी भूमिका आठ वर्षीय ड्रू बैरिमो ने निभाई है आलोचकों ने फिल्म के दोनों मुख्य पात्रों के समतापूर्ण व्यवहार और 1930 के दशक की कॉमेडी शैली के संवेदनशील अद्यतनीकरण की प्रशंसा की न सिलेबल डिफ्रेंसेस को कई गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त हुए जिनमें लॉन्ग और बैरिमो के लिए सर्वश्रेष्ठ आ अभिनेत्री का पुरस्कार भी शामिल है नौ शायर की उन्नीस की फिल्म बेबी बूम प्राइवेट बेंजामिन की तरह एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में एक बदलती नारीवादी प्रभावित दुनिया में महिलाओं की भूमिका को दर्शाती है डायने कीटन ने जेसी व्यार्ट नामक एक उच्च शक्तिशाली कार्यकारी की भूमिका निभाई जो अप्रत्याशित रूप से खुद को एक बच्चे से घिरा हुआ पाती है फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर संगीतमय या कॉमेडी के रूप में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और कीटन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी के रूप में भी नामांक किया गया था दस उन्नीस में मेयर्स और शायर ने पहली बार पुरानी सामग्री पर काम करते हुए शायर के निर्देशन में 1950 की विंसेंट मिनली फादर ऑफ द ब्राइड का रीमेक बनाया फादर ऑफ द ब्राइड को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स के जेनेट मसलिन का बयान भी शामिल है फादर ऑफ द ब्राइड को नए चुटकुलों और नए दृष्टिकोण के साथ सफलतापूर्वक नवीनीकृत किया गया है लेकिन पिछली फिल्म के सबसे यादगार क्षण है संरक्षित किया गया है ग्यारह स्टीव मार्टिन ने एक पिता द्वारा अपनी बेटी और अपने बैंक खाते को खोने के अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की दायने कीटन किम्बली विलियम्स और मार्टिन शॉट को भी उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के लिए चुना गया एक ऐसी फिल्म जो दुनिया भर में बड़ी सफलता बन गई मेयर्स और शायर ने अगली कड़ी फादर ऑफ द ब्राइड पार्ट दो का लेखन निर्माण और निर्देशन किया जिसमें सभी प्रमुख खिलाड़ी वापस आ गए बारह टचस्टोन पिक्चर्स के प्रमुख आकर्षण के रूप में उन्नीस के क्रिसमस सीजन के लिए फादर ऑफ द ब्राइड भाग दो ने बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक शुरुआत की और अमेरिका में 75 डॉलर मिलियन से अधिक की कम ई की तेरह शायर ने मेयर्स द्वारा निर्देशित द पेरेंट ट्रैप उन्नीस की रीमेक का सह लेखन और निर्माण किया पेरेंट ट्रैप टीम के लिए एक और विश्वव्यापी सफलता बन गई जिसने घरेलू स्तर पर पैंसठ डॉलर मिलियन से अधिक की कमाई की चौदह पंद्रह शायर ने इसके बाद एक पीरियड ड्रामा द अफेयर ऑफ द नेकलेस एल अफेयर डुकॉलियर में अभिनय किया जिसमें हिलरी स्वैंक एड्रियन ब्रॉडी और साइमन बेकर ने अभिनय किया फिल्म में चैक गणराज्य और फ्रांस की शानदार सिनेमेटोग्राफी वेशभूषा और सेटिंग दिखाई गई और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मिलिना कैनोनरो के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ 2004 में शायर ने 1966 की फिल्म अल्फ़ी का रीमेक लिखा निर्देशित और निर्मित किया अल्फ़ी ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका में जूड लॉ सुसान सारंडन और सियना मिलर को अभिनय किया कल्च डॉट कॉम के साथ एक साक्षात्कार में शायर ने उल्लेख किया कि उन्होंने मूल रूप से एक और रीमेक बनाने की योजना नहीं बनाई थी लेकिन सह लेखक एलेन पोप ने उन्हें इस परियोजना पर काम करने के लिए मना लिया था 16. 2008 में शायर को हैंडमेड फिल्म्स के लिए पेरिस में 1950 के दशक की बच्चों की किताब एलोइस के फिल्म रूपांतरण का सह लेखन निर्देशन और निर्माण करने की घोषणा की गई थी सत्रह लेकिन फिल्म परियोजना में कई देरी देखी गई और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे रोक दिया गया है 2012 में आभूषण डिजाइनर लिव बैलार्ड ने अपने पहले व्यावसायिक प्रयास में शायर द्वारा लिखित और निर्देशित ऑनलाइन फैशन फिल्म इरी ओगी डोमानी कल आज और कल का प्रीमियर किया 18 फैशन फिल्म ने तब से कई पुरस्कार जीते हैं जिनमें इंटरनेट विज्ञापन प्रतियोगिता के दो पुरस्कार शामिल हैं सर्वश्रेष्ठ फैशन ऑनलाइन विज्ञापन और बेस्ट ऑफ शो दो एक नौ दो शून्य दो एक शायर का अगला प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स के लिए है द नोएल डायरी जिसमें जस्टिन हार्टले ने अभिनय किया है और यह न्यूयॉर्क टाइम्स के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास पर आधारित है शायर ने पटकथा का सहलेखन किया और क्रिसमस 2022 के लिए निर्देशन करेंगे फिल्म में वर्ष पतली परत के रूप में श्रेय दिया गया टिप्पणियां उन्नीस स्मोकी और डाकू लेखक नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी नामांकित सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकादमी पुरस्कार जीता पीपुल्स चवाइस अवार्ड उन्नीस हाउस कॉल लेखक नामांकित सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड दक्षिण जा रहा हूं लेखक नामांकित सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर अभिनय पदार्पण के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 1980 निजी बेंजामिन लेखक एवं निर्माता जीते सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार नामांकित सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए अकादमी पुरस्कार स्क्रीन के लिए सीधे लिखी गई पटकथा नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मोशन पिक्चर संगीतमय या कॉमेडी उन्नीस सौ चौरासी कट्टर विरोधी मतभेद लेखक एवं निर्देशक नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शिष्टाचार लेखक उन्नीस सौ छियासी जम्पिन जैक फ्लैश लेखक जेडब्ल्यू मेलविले के रूप में उन्नीस सौ सतासी बच्चे की शोर लेखक एवं निर्देशक नामांकित सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार संगीतमय या हास्य उन्नीस सौ इक्यानवे दुल्हन के पिता लेखक एवं निर्देशक जीता एलन सिल्वेस्ट्री को बीएमआई फिल्म संगीत पुरस्कार उन्नीस सौ तिरानवे उन्नीस सौ बानवे वंस अपॉन ए क्राइम लेखक उन्नीस मुझे परेशानी पसंद है लेखक एवं निर्देशक उन्नीस दुल्हन के पिता भाग दो लेखक एवं निर्देशक नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी उन्नीस पैरेंट ट्रैप लेखक एवं निर्माता नामांकित सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक फीचर कॉमेडी के लिए युवा कलाकार पुरस्कार 2001 हार का मामला निर्देशक एवं निर्माता नामांकित सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार 2004 अल्फी लेखक निर्देशक और निर्माता जीता सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए क्रिटिक्स चवाइस अवार्ड नामांकित सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक के लिए एम्पायर अवार्ड 2012 हजार बारह इरी ओगी डोमानी कल आज और कल लेखक एवं निर्देशक जीता सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन फैशन या सौंदर्य फिल्म के लिए इंटरनेट विज्ञापन प्रतियोगिता दो हजार जीता शो में सर्वश्रेष्ठ के लिए इंटरनेट विज्ञापन प्रतियोगिता दो जीता सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट्स प्रतियोगिता पुरस्कार जीता द टैली अवार्ड जीता एकोलेट प्रतियोगिता पुरस्कार जीता अकेडमी ऑफ विजुअल आर्ट्स कम्युनिकेटर अवार्ड जीता 2022 नोएल डायरी लेखक एवं निर्देशक 2022 अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस सह लेखक एवं निर्माता हैंगओवर और उसके बाद 2009 वर्तमान 2009 में ग्राहम ने द देंगओवर में सुनहरे दिल वाले स्ट्रिपर जैड की भूमिका निभाई जिसे महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली लिंसे लोहान द्वारा इसे अस्वीकार करने के बाद उन्हें ये भूमिका मिली दो छह दो सात दो आठ हालांकि वह अगली कड़ी द हैंगओवर पार्ट दो के लिए नहीं लौटी लेकिन उन्होंने त्रय की अंतिम किस्त द हैंग पार्ट तीन में अपनी भूमिका दोहराई उनतीस ट्वेंटी टेन में उन्होंने बूगी वूगी में अभिनय किया इसके बाद असफल फिल्मों फादर ऑफ इन्वेंशन पांच डेज ऑफ वॉर जूडी मूडी एंड द नॉट बम समर सभी 2011 और अबाउट चैरी 2012 में भूमिकाएं निभाईं ग्राहम को स्क्रीम दो के संग्रहित फुटेज को स्क्रीम चार 2011 में पुनः उपयोग करने का श्रेय भी दिया गया तीन शून्य तीन एक तीन दो तीन तीन ग्राहम ने ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम एविक्वेस्ट दो में एंटोनिया बैले के चरित्र को आवाज दी चौंतीस पैंतीस उन्होंने एट एनी प्राइस में मैरिडिथ क्राउन की भूमिका निभाई जिसमें डेनिस क्वैद और जैक एफ्रॉन शामिल थे और उन्हें उनहत्तरवें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लाइन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था और बाद में टेलूराइड और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक चयन के रूप में प्रदर्शित किया गया था छत्तीस अन्य भूमिकाओं में बिहेविंग बैडली में भीड़ वकील एनेट स्ट्रेटन ओस्बोर्न और माय डेड बॉयफ्रेंड दोनों 2014 में लघु कथाकार मैरी बेलानोवा शामिल हैं उन्होंने हाफ मैजिक नामक एक कॉमेडी पटकथा लिख जिसे 2013 में उन्होंने कहा था कि वो निर्देशित करना चाहती थीं उन्होंने कहा कि कहानी इन महिला मित्रों और कामुकता पर केंद्रित है और उन लोगों के बारे में है जो कामुकता के बारे में शर्म की भावना रखते हैं और सीखते हैं कि इसके बारे में एक स्वस्थ दृष्टिकोण कैसे रखा जाए ये पुरुष महिला संबंधों और लिंगवाद से भी संबंधित है सैंतीस ये फिल्म दो में रिलीज हुई थी 2012 में वो पंद्रहवें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जूरी की सदस्य थीं अड़तीस 2014 में उन्होंने लाइफ टाइम नेटवर्क पर वीसी एंड्रूज उपन्यास फ्लावर्स इन द एटिक के दूसरे रूपांतरण में अभिनय किया उन्होंने कोरिन डोलंगेंजर नाम की एक दुष्ट मां का किरदार निभाया जो अपने मरते हुए पिता से विरासत पाने के लिए अपने चार बच्चों को एक अटारी में बंद कर देती है उनतालीस ग्राहम वीसी एंड्रूज की श्रृंखला पर आधारित दो टीवी फिल्मों के सीक्वल में भी दिखाई दिए पेटल्स ऑन द विंड और इफ देयर बी थॉर्न्स जिसमें उन्होंने कोरिन डोलेंगेंजर की भूमिका भी निभाई चालीस व कैलिफोर्निया के अंतिम सीजन में डे विड डचोवनी के लंबे समय से खोए हुए बेटे की मां के रूप में दिखाई दी इकतालीस 2018 में उन्होंने डेविड क्रॉस डार्क कॉमेडी श्रृंखला ब्लिस में सह अभिनय किया जिसे ब्रिडबॉक्स स्ट्रीमिंग सेवा द्वारा जारी किया गया था इसमें स्टीफन मैंगन ने एंड्रू की भूमिका निभाई जो एक धोखेबाज यात्रा लेखक है जो दो साझेदारों किम ग्राहम और डेनिस जो हार्टले के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है जो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं बयालीस तैंतालीस दो हज़ार तेईस में ग्राहम ने नेटफ्लिक्स क्रिसमस थीम वाली फिल्म बेस्ट में चार्लोट सैंडर्स के रूप में अभिनय किया क्रिसमस कभी ब्रांडी जेसन बिग्स और मैट सेडनो के साथ चार 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 पाँच चार छह चार सात चार आठ चार नौ पाँच शून्य ग्राहम ने चोजन फैमिली में लेखन निर्देशन और अभिनय किया जो 2024 में रिलीज होने वाली है इक्यावन बावन सक्रियता अपने अभिनय कार्य के अलावा ग्राहम एक कार्यकर्ता भी हैं जो गैर सरकारी संगठन एनजीओ चिल्ड्रन इंटरनेशनल के लिए एक सार्वजनिक वकील के रूप में कार्य करती हैं छह उन्होंने कहा कि उन्हें चिल्ड्रन इंटरनेशनल के बारे में जो पसंद है वह यह है कि आप एक बच्चे को बेहतर जीवन जीने में मदद कर रहे हैं उस बच्चे के लिए ये जानना बहुत अच्छा है कि जो कोई दूसरे देश में रहता है उसे उनकी परवाह है ग्राहम कंबोडियन चिल्ड्रन्स फंड के साथ काम करता है जो एक गैर सरकारी संगठन भी है जो आपूर्ति और शिक्षा प्रदान करता है और गुलामी को रोकने के लिए अभियान चलाता है ग्राहम ने कहा है कंबोडिया में बहुत अधिक मानव तस्करी होती है महिलाएं मर रही हैं क्योंकि उनके पास अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के लिए पंद्रह डॉलर नहीं हैं बाल कोष समुदायों के लिए मुफ्त शिक्षा स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है हम भविष्य के नेताओं का निर्माण कर रहे हैं जो खुद की मदद करने में सक्षम होंगे छह तिरपन दो में उन्होंने जलवायु परिवर्तन अभियान ग्लोबल कूल का समर्थन किया और शेखर कपूर की लघु फिल्म ग्लोबल कूल में सीएना मिलक के साथ दिखाई दी चावन मीडिया में ग्राहम को सेक्स सिंबल माना जाता है वह 2000 में एफएचएम की विश्व की सौ सबसे सेक्सी महिलाओं की सूची में 40वें स्थान पर 2001 की सूची में पचानवेवें स्थान पर 2002 की सूची में सत्तानवेवें स्थान पर 2005 की सूची में चौहत्तरवें स्थान पर और 2006 की सूची में अट्ठानवे स्थान पर थीं 2001 में उन्हें लोगों द्वारा 50 सबसे खूबसूरत लोगों में से एक नामित किया गया था 2003 में उन्होंने फोटोग्राफर सैम जोन्स द्वारा एक फ़ोटोशूट के लिए पोज दिया जिसके दौरान एक जादूगर ने उन्हें कई फीट हवा में उछाल दिया जिसने बाद में उनका आधा हिस्सा भी देखा पचपन इसके अलावा दो में ग्राहम ध्यान का विज्ञान शीर्षक वाले एक लेख के लिए टाइम के कवर पर दिखाई दिए छप्पन सत्तावन एम के रीजन्स वाई नॉट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक लाइफ कवर स्टोरी के लिए पोस्ट दिया था जो अनुमानित सीरीज शेड्यूल से कई हफ्ते पहले छपी थी जिसमें उन्हें टीवी की सबसे सेक्सी स्टार बताया गया था जो 27 जनवरी 2006 में प्रदर्शित हुई थी मुद्दा अट्ठावन उनसठ ग्राहम को अक्सर यौन भूमिकाओं में लिया जाता है जिनमें फेलिसिटी शेग्वल ऑस्टिन पॉवर्स द स्पाई हू हुग्मी पोन स्टार रोलगल बूगी नाइट्स और शारोना द गुरु वेश फ्रॉम हेल पोन निर्देशक मार्गरेट चेरी के बारे में और स्ट्रिपर जेड द हैंगओवर और द हैंगओवर भाग तीन उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रकार की भूमिकाएं और कामुकता का मुद्दा आकर्षक लगता है और उनका मानना है कि हमारी संस्कृति महिलाओं को सेक्स के बारे में मिश्रित संदेश भेजती है क्या महिलाओं को यौन रूप से जी वंत इंसान माना जाता है या क्या हमें अच्छी मां माना जाता है जो क्या वे काम कभी नहीं करेंगे और उन्हें ये पसंद है ये तथ्य कि मेरी कुछ भूमिकाएं लोगों को सेक्स के बारे में सोचने के तरीके को खोलने में मदद कर सकती हैं छ शून्य छ एक छ दो हजार पांच में ग्राहम बाल देखभाल उत्पादों के गानियर ब्रांड के प्रवक्ता बन गए तिरसठ 2017 में ग्राहम ने 2000 के दशक की शुरुआत में एक समय याद किया जब हॉलीवुड निर्माता हार्वे विंस्टीन ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा था कि अगर वो उनके साथ सोएगी तो वो उन्हें उनकी पसंद की भूमिका देंगे बाद में ग्राहम ने संकेत दिया कि उसने एक होटल में वीनेस्टीन के साथ एक नियोजित बैठक रद्द कर दी जब एक दोस्त उसके साथ आने में असमर्थ था ग्राहम का वीनेस्टीन के साथ आगे कोई संपर्क नहीं रहा और उनके द्वारा निर्मित किसी भी फिल्म में उन्हें कभी कास्ट नहीं किया गया चौंसठ व्यक्तिगत जीवन ग्राहम को अतीत में उसके माता पिता से अलग कर दिया गया है अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते के बारे में मीडिया की धारणा के बारे में उन्होंने कहा मैं वास्तव में अपने माता पिता के बारे में बात करना पसंद नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेस में इसकी गलत व्याख्या की जाती है पैंसठ छियासठ डेविड लिंच से परिचित होने के बाद ग्राहम उन्नीस सौ इक्यानवे बासठ से भावातीत ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं उन्होंने 2007 के एक साक्षात्कार में ये कहते हुए रियलिटी टेलीविजन के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त की है मुझे लगता है कि इसमें से कुछ यह अजीब लगता है हम सभी लोगों को इतना दुखी क्यों देखना चाहते हैं अन्य लोगों का दर्द और दुख ये कुछ हद तक दुखद लगता है सड़सठ उन्नीस में ग्राहम ने फिल्म डिक्सटाउन में अपने सह कलाकार जेम्स वुड्स को डेट किया अड़सठ बाद में उन्होंने ब्रिटिश रॉक स्टार एडम एंड को डेट किया उनहत्तर टू से 2011 तक वह इजरायली पटकथा लेखक यानिवरस के साथ रिश्ते में थीं सत्तर उन्होंने हीत लेजर को भी डेट किया मार्च 2021 में नॉवुड को जॉन लीजेंट द्वारा गायन प्रतियोगिता श्रृंखला द वॉयस के 20वें सीजन में एक संरक्षक के रूप में चुना गया था वन मिलियन वन इसके अलावा उसी महीने नावुड ने डिज्नी के साथ एकल स्टार्टिंग नाव पर सहयोग किया 138 क्वाड्रिलियन 139 ट्रिलियन 140 बिलियन 141 मिलियन वन हंड्रेड जिसे प्रदर्शित किए जाने की उम्मीद थी डिज्नी प्रिंसेस रिमिक्सड एंड अल्टीमेट प्रिंसेस सेलिब्रेशन एक संगीत विशेष जिसमें अन्य राजकुमारियां भी शामिल होंगी जिसका प्रीमियर अगस्त 2021 में डिज्नी चैनल और डिज्नी जोड़ पर होगा एक सौ चौवालीस एक पैंतालीस उसी महीने नोवुड नेचुरी नॉटन ईव और नादिन वेलाज के साथ अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की संगीत नाटक श्रृंखला क्वींस के कलाकारों में शामिल हुए 146 बिलियन 147 मिलियन 148,149 श्रृंखला की शुरुआत काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा के साथ हुई वैरायटी ने चौकड़ी की संगीत प्रस्तुति की प्रशंसा करते हुए उनके रैप को तीव्र और विशिष्ट कहा जो व्यक्तियों और एक उत्साही सामूहिक दोनों के रूप में उनकी प्रतिभा को स्पष्ट करता है लेकिन अगले वर्ष इसे नवीनीकृत नहीं किया गया 150 मार्च 2022 में नावुड ने नथिंग विदाउट यू रिलीज किया जो बेटी साय राय के साथ एक युगल गीत था एक सौ इक्यावन कॉमेडी फिल्म चीप और बाय द डजन 2022 के साउंडट्रैक के लिए रिकॉर्ड किया गया था एक अप्रैल में गायिका मारिया कैरी ने द रूफ वैन आई फील द नीड का खुलासा किया जो उनके उन्नीस के एकल द रूफ बैक इन टाइम का एक पुनः रिकॉर्ड किया गया और फिर से कल्पना किया गया संस्करण है जिसमें नॉवुड के नए स्वर शामिल हैं एक सौ तिरपन मास्टर क्लास पर पूर्व पाठ्यक्रम के लिए एक सौ चौवन अक्टूबर दो हज़ार बाईस में नॉवुड को नाइजीरिया ई गायक तिवा सैविज के साथ उनके सहयोग संबदी सन सं के लिए ऑल अफ्रीका म्यूजिक अवार्ड्स दो हज़ार बाईस में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक अधिनियम के लिए नामांकित किया गया था वन मिलियन वन उसी वर्ष नावुड डिसेंडेंस द राइज ऑफ रेड के कलाकारों में शामिल हो गए जो डिसेंडेंट्स फ्रेंचाइज का एक स्टैंडलून सीक्वल है जिसमें वो सिंड्रेला की भूमिका को फिर से निभाएंगी एक अप्रैल 2023 में नॉवुड की बेटी साई राय ने पुष्टि की कि उनकी मां उनकी आगामी पहली ईपी में मुखर और कार्यकारी निर्माता होंगी एक सितंबर 2023 में ये पता चला कि नॉवुड एक क्रिसमस एल्बम पर काम कर रहे थे एक सौ साठ ये परियोजना जून दो हज़ार बाईस में मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर करने के बाद उनकी प्रमुख लेबल वापसी को चिन्हित करेगी छह जबकि इसकी रिलीज की तारीख क्रिसमस कॉमेडी फिल्म बेस्ट की रिलीज के साथ मेल खाएगी क्रिसमस कभी जिसे सोलह नवंबर दो हज़ार तेईस को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और इसमें हीथर ग्राहम जेसन बिग्स और मैट सेडिनो के साथ नोवुड ने अभिनय किया था 161 हंड्रेड सिक्सटी वन बिलियन वन हंड्रेड सिक्सटी टू मिलियन वन हंड्रेड क्रिसमस विद ब्रांडी दस नवंबर दो को रिलीज हुई थी 165 166 A24 की द फ्रंट रूम निर्देशक मैक्स और सैम एगस की एक मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म ब्रांडी अभिनीत 2024 में रिलीज होने की उम्मीद है ब्रैड क्रेवॉय एक फिल्म निर्माता उद्यमी और मोशन पिक्चर कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक और अध्यक्ष सीईओ हैं अपने 30 साल के करियर में क्रेवॉय 150 से अधिक फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं के निर्माण और वितरण में शामिल रहे हैं विशेष रूप से डम्ब एंड डम्बर और, और ए क्रिसमस प्रिंस त्रई और प्रिंस द प्रिंसेस स्विच सहित क्रिसमस थीम वाले मनोरंजन एक प्रारंभिक जीवन और शिक्षा क्रेवॉय ने बैवली हिल्स हाई स्कूल से स्नातक किया उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और 1978 में राजनीति विज्ञान में बीए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की इसके बाद वो यूसी हेस्टिंग्स कॉलेज ऑफ लॉ में अध्ययन करने चले गए स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया राज्य विधानमंडल में लेजिस्लेटिव फेलो के रूप में कार्य किया और लॉस एंजल्स की एक प्रमुख लॉ लॉफॉर्म में मनोरंजन वकील के रूप में काम किया दो प्रारंभिक करियर और रोजर कॉमन के साथ काम उन्नीस सौ फिल्म उद्योग में क्रेवॉय का प्रमुख प्रवेश उन्नीस में स्टैनफोर्ड फुटबॉल खेल में रोजर कॉमन के साथ एक आकस्मिक मुलाकात से हुआ क्रेवॉय ने कॉमन के कॉन्कॉर्ड न्यू हॉराइजन पिक्चर्स के लिए काम किया व्यावसायिक मामलों को संभाला कॉन्कॉर्ड तेजी से वीएचएस टेप के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया जिसने दुनिया के हर प्रमुख वितरक के साथ सौदे किए तीन एमपीसीए उन्नीस सौ छियासी में क्रेवॉय और उनके लंबे समय के बिजनेस पार्टनर स्टीव स्टैबलर ने व्यावसायिक फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों के निर्माण अधिग्रहण और वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मोशन पिक्चर कारपोरेशन ऑफ अमेरिका एमपीसीए स्थापना की कंपनी के प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्होंने नेट बीटी के साथ द पर्पल पीपल ईटर उन्नीस सहित पंथ पसंदीदा का निर्माण किया बैक टू बैक उन्नीस बिल पैक्सटन और अपोलोनिया अभिनीत और सेक्स कॉमेडी मिरेकल बीच उन्नीस सौ गुंगा और मूर्ख क्रेवोए और स्टैबलर ने उन्नीस में ब्लॉकबस्टर कॉमेडी डंब एंड डम्बर रिलीज की थी इसकी स्क्रिप्ट लगभग सात साल तक चली थी और हर प्रमुख स्टूडियो ने इसे अस्वीकार कर दिया था एमपीसीए के समर्थन से लेखकों बॉबी और पीटर फैरली को अपनी फिल्म का निर्देशन करने और जिम कैरी को इसमें अभिनय करने का मौका मिला चार डम्ब एंड डम्बर ने बॉक्स ऑफिस कॉमेडी रिकॉर्ड तोड़ दिए शुरुआत की और छुट्टियों के सीजन में लगातार चार हफ्तों तक अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक पर रही पांच फिल्म ने 16 मिलियन डॉलर के बजट में से घरेलू स्तर पर 127 मिलियन डॉलर और विदेशों में 120 मिलियन डॉलर की कमाई की और दुनिया भर में कुल दो मिलियन डॉलर की कमाई की छह क्रिवोए और एमपीसीए ने बड़े बजट की स्टूडियो कॉमेडी का निर्माण किया जिसमें क्रिस फार्ले अभिनीत बेवली हिल्स निंजा और टिम एलन के साथ जंगल दो जंगल शामिल हैं उन्होंने लारा फ्लिन बॉयल और स्टीफन बाल्डविन अभिनीत थरिसम का भी निर्माण किया ये फिल्म उस वर्ष की सबसे सफल स्वतंत्र आर्ट हाउस फिल्मों में से एक थी जिसने घरेलू स्तर पर पंद्रह डॉलर मिलियन से कम की कमाई की सात पहली नजर में सौदे नवंबर उन्नीस से शुरू होकर उन्नीस में मेट्रोमीडिया इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक क्रेवॉय और एमपीसीए ने पैरामाउंट स्टूडियो के साथ फर्स्ट लुक प्रोडक्शन डील की थी क्रेवय और एमपीसीए ने नब्बे के दशक के अंत में सोनी पिक्चर्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर भी हस्ताक्षर किए जहां उन्होंने दस से अधिक फिल्मों का निर्माण किया आठ ओरियन पिक्चर्स के सह अध्यक्ष उन्नीस सौ छियानवे नाइनटीन नाइन्टी एट उन्नीस सौ छियानवे में एमपीसीए को जॉन क्लुज के मेट्रोमीडिया इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा खरीदा गया था मेट्रोमीडिया ने हाल ही में अध्याय ग्यारह दिवालियापन से स्वतंत्र उत्पादन कंपनी ओरियन पिक्चर्स खरीदी थी जब एमपीसीए का कंपनी में विलय हो गया तो क्रेवॉय और स्टैब्लर ने ओरियन पिक्चर्स के सह अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और उन्हें छह चित्र वाला सौदा दिया गया नौ ओरियन में क्रेवॉय ने ओरियन के मोशन पिक्चर और टेलीविजन प्रोग्रामिंग के उत्पादन अधिग्रहण और वितरण का निरीक्षण किया उन्होंने अकादमी पुरस्कार विजेता टॉम शुलमैन डेट पोएट सोसाइटी के लिए फिल्मों का निर्माण किया और उन्नीस के अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकित प्रिजनर ऑफ द माउंटेन सगे बोड्रोव द्वारा निर्देशित और प्रशंसित उलीज गोल्ड विक्टर नूनेस द्वारा निर्देशित और जॉनथन डेमे द्वारा प्रस्तुत उली का गोल्ड एक महत्वपूर्ण हिट था और इसके प्रम ख अभिनेता पीटर फोंडा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला और एकमात्र गोल्डन ग्लोब जीता फोंडा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला और एकमात्र ऑस्कर नामांकन भी मिला ओरियन पिक्चर्स को पुनर्जीवित करने के दो साल बाद मेट्रोमीडिया ने ओरियन को एमजीएम को बेच दिया क्रेवोय अपने मूल सौदे के हिस्से के रूप में एमपीसीए का नाम वापस लेने में सक्षम थे 10. एमपीसीए को पुनः आरंभ करना उन्नीस सौ अट्ठानवे ट्वेंटी में क्रेवोय अपनी स्वतंत्र फिल्म निर्माण की जड़ों में लौट आए और एमजीएम के माध्यम से एक वितरण सौदे के साथ एमपीसीए को फिर से शुरू किया एमपीसीए को रीबूट करने के बाद से क्रिवोय ने मोशन पिक्चर्स की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण किया है बॉक्सिंग ड्रामा जो और मैक्स जिसने ईएसपीएन और एसी पुरस्कार नामांकन दोनों एकत्र किए 2002 हज़ार प्रीमियर बुकीज और कारीगर लायंस गेट के लिए नाव यात्रा 2004 में क्रिवोय ने जॉन ट्रेवोल्टा और स्कॉलट जोहानसन अभिनीत नाटक ए लव सॉन्ग फॉर बॉबी लॉन्ग का निर्माण किया फिल्म को दर्शकों और आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया जिसे स्कॉलट जोहानसन को गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला 2008 में क्रेडिट संकट आने के बाद ट्रेवॉय को नए निवेशक मिले और उत्पादन में वृद्धि हुई उन्होंने एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय बिक्री टीम बनाई और प्रोग्रामिंग की एक विविध स्लेट को असेंबल करना शुरू किया ग्यारह ट्रेवॉय ने 2009 के युद्ध नाटक टेकिंग चांस का निर्माण किया जो लेफ़्टिनेंट कर्नल माइकल स्ट्रोबल के सच्चे अनुभवों पर आधारित था जिन्होंने व्यापक रूप से प्रसारित लेख टेकिंग चांस होम में अपने समय के बारे में लिखा था बारह फिल्म का निर्देशन रॉस कार्ट्स ने किया था और इसमें केविन ने अभिनय किया था बेकन इसे एचबीओ पर प्रीमियर से पहले संडास फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था तेरह टैकिंग चांस को कुल सत्ताईस पुरस्कार नामांकन और छह जीते मिली साथ ही ह्यूमनिटास पुरस्कार भी जीता क्रेवोए और एमपीसीए ने सीधे से डीवीडी एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला का निर्माण किया इनमें लाइन वॉच दो हजार आठ हॉडवायर्ड दो हजार नौ जिसमें वैल किलमर भी थे टिक टिक करती घड़ी 2011 और वन इन द चैंबर 2012 जिसमें डॉल्फ लुनग्रेन शामिल हैं उन्होंने सैमुअल एल जैक्सन के साथ दो फिल्में बनाई एरिना 2011 और मीटिंग एविल 2012। इस दौरान एमपीसीए ने जीन क्लाउड वैन वैनडेम के साथ दो फ़िल्में भी बनाई असेसिनेशन गैम्स 2011 और सिक्स बुलेट्स 2012। 2011 में क्रिबॉय ने डिज्नी के लिए बेवली हिल्स चि हुआ, हुआ दो का निर्माण किया जो 2008 की हिट कॉमेडी की अगली कड़ी थी अधिकांश मूल कलाकार वापस आ गए और फिल्म ने होम वीडियो बाजार में 30 डॉलर मिलियन से अधिक की बिक्री के साथ अच्छा प्रदर्शन किया 14. 2014 में क्रेवॉय और स्टैबलेट डम्ब एंड डम्बर टू के कार्यकारी निर्माता थे जो पहली फिल्म की घटनाओं के 20 साल बाद हो रहा था जेफ डैनियल और जिम कैरी ने अपनी भूमिकाएं दोहराईं और फिल्म चौदह नवम्बर दो को रिलीज हुई यह अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक पर खुली और दुनिया भर में एक मिलियन डॉलर की कमाई की पंद्रह क्रिसमस और पारिवारिक फिल्में 2013 वर्तमान 2013 से क्रेवॉय और एमपीसीए ने नेटफ्लिक्स और द हॉलमार्क चैनल सहित चुनिंदा प्रसारकों के लिए 40 से अधिक मूल क्रिसमस और पारिवारिक फिल्मों का निर्माण किया है 16 नेटफ्लिक्स के साथ नेटफ्लिक्स के लिए क्रेवॉय और एमपीसीए का पहला प्रोडक्शन ए क्रिसमस प्रिंस जिसमें रोज़ मैकाइवर बेन लैम्ब और एलिस क्रिगे ने अभिनय किया था सत्रह नवंबर दो को रिलीज हुई थी सत्रह ट्वेंटी एटीन में एमपीसीए ने द प्रिंसेस स्विच का निर्माण किया जिसमें वेनेसा हजेंस और सैम पल्लाडियो ने अभिनय किया एमपीसीए की अन्य हालिया नेटफ्लिक्स अवकाश फिल्मों में रॉब लोव और क्रिस्टिन डेविस अभिनीत हॉलिडे इन द वाइल्ड शामिल हैं क्रिसमस से पहले की रात वेनेसा हजेंस और जोश व्हाइट हाउस अभिनीत द हॉलीडे कैलेंडर जिसमें कैट ग्राहम क्विंसी ब्राउन और रॉन सेफिस जोन्स ने अभिनय किया है और क्रिसमस इनहेरिटेंस एलिजा टेलर और जैक लेसी अभिनीत हॉलमार्क के साथ क्रेवोए और एमपीसीए ने हॉलमार्क और हॉलमार्क मूवीज एंड मिस्ट्रीज के लिए तीस से अधिक मूल फिल्मों का निर्माण किया है जिसमें कई फिल्म फ्रेंचाइजी भी शामिल हैं इनमें से कुछ में जोआन फ्लूक की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित लोकप्रिय मॉडल शी बैग श्रृंखला की सभी पांच प्रविष्टियां शामिल हैं अठारह केट कोलिन्स की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित फ्लावर शॉप मिस्ट्री श्रृंखला की सभी तीन फिल्में उन्नीस लेखक फोफ सटन की डारो एंड डारो श्रृंखला की चार फिल्में बीस और द क्रॉसवर्ड मिस्ट्रीज की तीन किस्तें जिनका नी रमान एनवाई टाइम्स क्रॉसवर्ड संपादक विल शॉर्ट्स के सहयोग से किया गया था 21. ट्रेबोए हॉलमार्क चैनल के शो वैन कॉल्स द हॉट के कार्यकारी निर्माता हैं ये श्रृंखला जेनेट ओके की सबसे अधिक बिकने वाली कनाडाई वेस्ट श्रृंखला की पुस्तकों से अनुकूलित है बाईस ये शो रेटिंग्स में बेहद सफल रहा है जिसमें क्रिसमस स्पेशल के लिए उच्च संख्याएं भी शामिल हैं तेईस ये शो वर्तमान में अपना सातवां सीजन प्रसारित कर रहा है जिससे ये हॉलमार्क पर सबसे लंबे समय तक चलने वाली मूल श्रृंखला बन गई है अगस्त 2019 में हॉलमार्क की नई स्ट्रीमिंग सेवा हॉलमार्क मूवीज़ नाव के साथ वेन होप कॉल्स नामक एक स्पिन ऑफ शो लॉन्च किया गया चौबीस जीएसी परिवार के साथ 2021 में ट्रेबोए ने हॉलमार्क चैनल के पूर्व सीईओ बिल एबार्ड द्वारा संचालित नए रीब्रांडेड नेटवर्क जीएसी फ़ैमिली के साथ साझेदारी शुरू की एमपीसीए अपने पहले छुट्टियों के मौसम के लिए 12 क्रिसमस फिल्मों का निर्माण कर रहा है जिसमें कैमरून मैथिसन मैगी लॉसन चैड माइकल मरे जिल वैगनर, जैन लिली और बेका टॉबिन ने अभिनय किया है जब होप कॉल्स ने दूसरे सीजन का भी प्रीमियर किया हॉलमार्क से आगे बढ़ते हुए और अपने साथ वेन कॉल्स द हॉट के अनुभवी लोरी लफलिन को लेकर आए पच्चीस 2022 में जीएसी फैमिली के लिए दो रोमांटिक कॉमेडीज रिलीज हुईं डेनिका मैकेलर अभिनीत द विंटर पैलेस और जेसिका लोंडेस और जेसी मेटकाफ अभिनीत हामनी फ्रॉम द हॉट हामनी फ्रॉम द हॉट का निर्माण और लेखन भी लोंडेस द्वारा किया गया था अन्य हॉलिडे फिल्में क्रेवोए और एमपीसीए ने 2021 में सीबीएस और पीकॉक के लिए क्रिसमस फिल्मों का निर्माण भी शुरू किया सीबीएस के लिए उन्होंने एक क्रिसमस प्रपोजल बनाया जिसमें एडम रोड्रिग्स और जेसिका कैमाचो ने अभिनय किया छब्बीस और साथ ही क्रिसमस टैक्स फ्लाइट भी बनाई जिसमें केटी लोव्स और इवान विलियम्स ने अभिनय किया सत्ताईस और पीकॉक द हाउसवाइव्स ऑफ द नॉर्थ पोल के साथ क्रिसमस गेम में शामिल हो गए जिसमें रियल हाउसवाइव्स के पूर्व छात्र काइल रिचर्ड्स और बेटसी ब्रांड ने अभिनय किया था अट्ठाईस अन्य उद्यम उन्नीस में क्रेवोय ने प्रदर्शनी के दिग्गजों रॉन लेस्ली एमसी थिएटर के पूर्व अध्यक्ष और पीटर फोनस्टैम के साथ साथ रियल एस्टेट वकील रिचर्ड लॉरेंस के साथ मिलकर रिजॉर्ट थिएटर ऑफ अमेरिका का गठन किया 29 मार्च 1999 तक कंपनी ने कुल पिचासी स्क्रीनों के लिए मेट्रोपॉलिटन थिएटर कॉप के सभी पाम स्क्रीन स्थानों का अधिग्रहण कर लिया था 1999 में उन्होंने एस्पेन कंपनी में ऐतिहासिक आइसिस थिएटर को खरीदा और उसका नवीनीकरण किया तीस इकतीस व्यक्तिगत जीवन ब्रैड ने उन्नीस में अपनी पत्नी सूसी से शादी की वे अपनी तीन बेटियों और दो कुत्तों के साथ सांता मोनिका में रहते हैं बत्तीस फिल्मोग्राफी फिल्म एक निर्माता के रूप में वर्ष पतली परत श्रेय टिप्पणियाँ उन्नीस आराम से लिया जाने वाला बदला कार्यकारी निर्माता उन्नीस खतरनाक प्यार बैंगनी लोकभक्षक उन्नीस मेमोरियल वैली नरसंहार बड़ी सोच रखना प्रतिशोध मंत्रालय एक के पीछे एक उन्नीस आग उगलना ट्रैबी हॉलीवुड जाता है उन्नीस दोहरी मुसीबत चमत्कारी समुद्र तट उन्नीस सौ तिरानवे भूत ब्रिगेड कद्दू का सिर दो रक्त पंख डायरेक्ट टू वीडियो प्यार धोखा और चोरी उन्नीस सौ चौरानवे त्रिगुट हर सांस हताश राह डायरेक्ट टू वीडियो गूंगा और बेवकूफ उन्नीस सौ पचानवे ठंडे खून वाले रात के अंत तक मुझे कव करे सोल्जर बॉयज उन्नीस सौ छियानवे जैव गुम्बद अगर लुसी गिर गई सरगना घर पर युद्ध अल्बिनो मगरमच्छ कांच का पिंजरा उन्नीस सौ सत्तानवे पूर्वव्यापी बेवली हिल्स निंजा जंगल दो जंगल कार्यकारी निर्माता दुश्मन की रेखा के पार डफेल बैग में आठ सिर मिडनाइट ब्लू कॉपोरेट सीडी टिड्डियां गिरोह से संबंधित सबसे अच्छा आदमी सच्चा दिल नरक का अभिशाप उन्नीस सौ अट्ठानवे सामरिक आक्रमण डायरेक्ट टू वीडियो रातों रात वितरण डायरेक्ट टू वीडियो दूसरे कमरे से संगीत अमेरिकी ड्रैगन उन्नीस उपनगर 2003 प्रहार कार्यकारी निर्माता देवदूतों की एक अफवाह कार्यकारी निर्माता 2001 नासल। 2002 नस्ल साफ जाहिर नाव यात्रा 2003 सट्टेबाज कार्यकारी निर्माता नेशनल लैम्पून बमुश्किल कानूनी गूंगा और मूर्ख जबहरी लॉर्ड से मिला परिणाम 2004 ड्रैकुला बॉबी लॉन्ग के लिए एक प्रेम गीत कार्यकारी निर्माता बुलेट की सवारी धमाका 2005 स्लिप स्ट्रीम दो शासन में दूसरा महत्व डायरेक्ट टू वीडियो सशक्त सेना डायरेक्ट टू वीडियो 2007 हजार सात एलेक्जेंडर कार्यकारी निर्माता 2008 लाइन वॉच 2009 हार्डवायर्ड कार्यकारी निर्माता 2011 टिक टिक करती घड़ी डायरेक्ट टू वीडियो बेवली हिल्स जी हुआ हुआ दो डायरेक्ट टू वीडियो हत्या खेलों अखाड़ा 2012 बुराई से मिलने कक्ष में एक छह गोलियां 2013 पैकेज 2014 गुंगा गूंगा और मूर्ख को कार्यकारी निर्माता 2017 एक क्रिसमस राजकुमार कार्यकारी निर्माता क्रिसमस विरासत कार्यकारी निर्माता 2018 अवकाश कैलेंडर कार्यकारी निर्माता राजकुमारी स्विच कार्यकारी निर्माता एक क्रिसमस राजकुमार शाही शादी कार्यकारी निर्माता 2019 जंगल में छुट्टियां क्रिसमस से पहले की रात एक क्रिसमस प्रिंस द रॉयल बेबी कार्यकारी निर्माता 2020 ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप प्रिंसेस स्विच फिर से स्विच किया गया 2021 हजार इक्कीस द प्रिंसेस स्विच रोमांसिंग द स्टार क्रिसमस के लिए एक महल लू कार्यकारी निर्माता 2022 हजार बाईस मार्गोंग्स क्रिसमस के लिए गिरना 2023 आयरिश इच्छा श्रेष्ठ क्रिसमस कभी एक उत्पादन प्रबंधक के रूप में वर्ष पतली परत भूमिका 2012 हजार बारह छह गोलियां इकाई उत्पादन प्रबंधक 2017 हजार सत्रह एक क्रिसमस राजकुमार इकाई उत्पादन प्रबंधक 2018 हजार अठारह एक क्रिसमस राजकुमार शाही शादी इकाई उत्पादन प्रबंधक एक अभिनेता के रूप में वर्ष पतली परत भूमिका उन्नीस सौ इक्यानवे आग उगलना परीक्षक हैश एक ट्रेबी हॉलीवुड जाता है दर्शक हैश दो हजार दो नाव यात्रा पायलट टेलीविज़न एक निर्माता के रूप में वर्ष शीर्षक श्रेय टिप्पणियाँ उन्नीस स्केच कलाकार टेलीविजन फिल्म बंदूकधारियों की अंगूठी टेलीविजन फिल्म उन्नीस स्केच आर्टिस्ट दो हाथ जो देखते हैं टेलीविजन फिल्म जॉनी और क्लाइडर टेलीविजन फिल्म उन्नीस सौ अट्ठानवे आइंस्टीन के साथ नाश्ता टेलीविजन फिल्म रूट नौ टेलीविजन फिल्म उन्नीस सौ निन्यानवे अच्छे का अभाव टेलीविज़न फिल्म एनी सह निर्माता टेलीविजन फिल्म 2000 संकट में एक परिवार एलियन गोंजलेस कहानी कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म 2002 जो और मैक्स कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म सीमा टेलीविजन फिल्म फुटपाथ टेलीविजन फिल्म 2003 कीड़े कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म 2006 कद्दू का सिर राख से राख तक टेलीविज़न फिल्म 2007 कद्दू का सिर खून का झगड़ा टेलीविजन फिल्म 2009 मौका लेना कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म 2010 हज़ार मोथमैन टेलीविजन फिल्म विचविले टेलीविजन फिल्म 2011 विलियम और कैथरीन एक रॉयल रोमांस टेलीविजन फिल्म क्रिसमस के लिए एक राजकुमारी कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म 2012 हज़ार बारह टेल्होर ब्लॉन्ड कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म 2013 जीवन का मधुर पक्ष कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म हैबी जीबीज टेलीविजन फिल्म उड़ने वाले बंदर टेलीविजन फिल्म जब दिल बुलाता है कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म क्रिसमस की भावना कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म 2014 एक शाही क्रिसमस कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म 2015 हज़ार पंद्रह शी बेग्ड ए चॉकलेट चिप कुकी मिस्ट्री कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म मदर शी बेग्ड ए प्लम पुडिंग मर्डर मिस्ट्री कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म क्रिसमस के लिए ताज कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म एक क्रिसमस चक्कर कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म एक क्रिसमस मेलोडी कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म मारिया कैरी का सबसे शानदार क्रिसमस टेलीविजन विशेष 2016 मर्डर शी बेग्ड ए पीच मोची मिस्ट्री कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म फूलों की दुकान का रहस्य माँ का वचन कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म फूलों की दुकान का रहस्य कली में कटा हुआ कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म मर्डर शी बेग्ड ए डेडली रेसिपी कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म द वेडिंग मार्च कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म फूलों की दुकान का रहस्य डेयरली डिप्यूटेड कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म प्यार और सम्मान के लिए कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म क्रिसमस की शुभकामना कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म हर क्रिसमस की एक कहानी होती है कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म मैं क्रिसमस के लिए घर पर रहूंगा कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म राष्ट्रीय क्रिसमस वृक्ष प्रकाश व्यवस्था कार्यकारी निर्माता टेलीविजन विशेष 2017 बर्फ पर प्यार कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म एक शाही सर्दी कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म कैंप फायर चुंबन कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म मदर शी बेग जस्ट डेजर्ट्स कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म शादी दो मार्च प्यार का सहारा कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म मेरी पसंदीदा शादी कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म संत कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म डारो और डारो कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म एंजल फॉल्स में क्रिसमस कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म क्रिसमस दोहराना कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म 2018 मेरा गुप्त वेलेंटाइन कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म शादी तीन मार्च दुल्हन आ रही है कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म शाही दिल कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म एक रॉयल मैचमेकर कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म डारो और डारो हत्या की कुंजी में कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म शादी चार मार्च कुछ पुराना कुछ नया कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म डारो और डारो साक्ष्य का निकाय कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म प्यार में क्रिसमस कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म क्रिसमस क्रीक को लौटे कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म पैलेस में क्रिसमस कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म अभिमान पूर्वाग्रह और मिस्लेटो कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म ग्रैंड वैली में क्रिसमस कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म 2019 विंटर लव स्टोरी कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म 27वां वार्षिक मूवी गाइड पुरस्कार कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न विशेष क्रॉसवर्ड रहस्य मरने के लिए एक पहली कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म शादी पांच मार्च मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ गया कार्यकारी निर्माता टेलीविज़न फिल्म गर्मी का स्वाद कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म हत्या का गवाह एक डारो रहस्य कार्यकारी निर्माता टेलीविजन फिल्म दोस्तों इसे सिर्फ इस नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो इसे सोलह नवंबर दो को रिलीज किया गया था साथ ही तो साथ इसे यूनाइटेड स्टेट में बनाया गया है और लैंग्वेज की बात की जाए तो इसकी मेन बेस जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है बाकी इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में डब कर कर रिलीज किया गया है हिंदी इंग्लिश के साथ और भी कई लैंग्वेज हैं आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो बाकी दोस्तों इस मूवी के बारे में जितनी डिटेल हो पाएगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा आप भी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा उस मूवी के बारे में जितनी भी डिटेल थे मैंने आपको बताई यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप में से कितने लोगों ने इसे देख लिया आप अपना रिव्यू भी लिख सकते हैं बाकी दोस्तों आप एक बार इसे जरूर से, से देखिएगा क्रिसमस स्पेशल है और लेंथ के बारे में बात की जाए तो बहुत कम इसकी लेंथ है लगभग अस्सी मिनट की पुल एक तरह से टोटल मूवी है जो कि बहुत छोटी लेंथ है बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में